ऑयल सेपरेटर एक चिलर के अंदर किस तरीके से वर्क करता है, उसकी पोजीशन क्या होती है, तो चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं। तो अब सामने ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, सिलेंड्रिकल टाइप, ये है आपका ऑयल सेपरेटर। तो एक साइड ये कंडेंसर से जुड़ा होता है, आप नीचे की तरफ ये देख पा रहे हैं, ये कंडेंसर है और इससे जो जाने वाली लाइन है इस तरफ आप देख पा रहे हैं, ये कंडेंसर में जा रही है और नीचे की तरफ ये कनेक्ट रहता है आपका ऑयल टैंक से। आप ये लंबी सी आकृति जो देख पा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो है नीचे की तरफ, ये है ऑयल टैंक और दूसरी तरफ ये जुड़ा रहता है आपके कंप्रेसर से। तो ये आप सामने देख पा रहे हैं, इस साइड पे है ये कंप्रेसर। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट के साथ यानी कि गैस के साथ जो ऑयल आता है वो इस सेपरेटर में जाता है और वो सेपरेटर में जाते ही ऑयल नीचे आ जाता है और जो गैस है इसमें से अलग होके, ऑयल में से अलग होके इस कंडेंसर में चले जाती है और वो ऑयल इस पाइप के थ्रू वापस ऑयल टैंक में चले जाता है। तो कुछ इस तरीके से ऑयल सेपरेटर वर्क करता है।